राधे राधे। सो राधे राधे फ्रेंड्स, ऐसे फोटो सिंपली एडिट करने के लिए सिंपली हम लाइटरूम को ओपन कर लेते हैं। यह आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो है हमारा जो हमने की ले लिया है। आपको भी जो भी फ़ोटो ऐड करना है, एडिट करना है, उसको आपको सिंपली लाइटरूम में ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमें ये फ़ोटो एडिट करना है, तो सिंपली हमने ये ऐड कर दिया है लाइटरूम में। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंपली आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा। एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है। ध्यान से देखना, एक्सपोजर को थोड़ा आपको कम कर देना है और कंट्रास्ट को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इंक्रीज कर देना है और हाईलाइट को थोड़ा आपको कम कर देना है और शेडो को थोड़ा आपको इंक्रीज कर देना है, वाइट्स को भी थोड़ा आपको इंक्रीज कर देना है, ब्लैक्स को आपको थोड़ा कम कर देना है। इसके बाद मेरे भाई आपको कलर पर आना है। कलर पर आने के बाद आपको सिंपली सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना है, सॉरी थोड़ा कम कर देते हैं हम, वाइब्रेंस को थोड़ा सा हम इंक्रीज़ कर देते हैं, टेम्प को थोड़ा सा कम कर देते हैं और टिंट को भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। कलर मिक्स में आते हैं, कलर मिक्स वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कलर मिक्स पर आने के बाद आपको सिंपली इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ कर देना है और ह्यू को आपको सिंपली कम कर देना है। सैचुरेशन को इंक्रीज़ करने के बाद, ह्यू को आपको कम करने के बाद येलो कलर पर आना है। इसके सैचुरेशन को आपको दोनों को कम कर देना है, बिल्कुल आपको डाउन कर देना है। इसको डाउन करने के बाद ग्रीन कलर को भी बिल्कुल आपको ऐसे इस प्रकार से कुछ राउंड कर देना है। फिर से आपको इस पर आना है, इसको भी आपको बिल्कुल डाउन कर देना है, इसको ऑफ, इसको भी आपको बिल्कुल डाउन कर देना है। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारी ब्लैक टोन बन के रेडी हो रही है। आप देख सकते हैं कैसे किस प्रकार से बढ़िया तरीके से हमारी ब्लैक टोन रेडी हो रही है। इस पर क्लिक करेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम इसकी, इसको भी आपको डाउन कर देना है। फिर आना है पिंक कलर पर, इसके सैचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज कर देना है और ह्यू को कम कर देना है, लुमिनेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। यहाँ से मेरे भैया आपको डन कर देना है। डन करने के बाद आप यहाँ से इफेक्ट पर आएंगे। इफेक्ट पर आने के बाद आपको सिंपली डीएच को आपको इंक्रीज कर देना है। डीएच को इंक्रीज करने के बाद बिगनेट पर आना है, इसको आपको थोड़ा कम कर देना है। इसको माइनस पर लेने के बाद ग्रेन पर आना है, ग्रेन को रेन बन देना है। डिटेल पर आना है, अमाउंट को थोड़ा सा मेरे भैया आपको इंक्रीज कर देना है। और अब आना है आपको नॉइस पर, अमाउंट को आपको रहने ही देना है, शार्पनिंग के अमाउंट को रहने देना है। कलर नॉइस पर आना है, इसके सैचुरेशन को आपको, कलर नॉइस रिडक्शन को आपको, इसको कुछ हम 19 के आसपास रखते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके डिटेल को थोड़ा रखते हैं हम 17 के आसपास और स्मूथनेस को भी 17 के आसपास रख देते हैं। अभी गाइस हमारा फोटोज़ आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है, बिफ़ोर एंड आफ्टर। तो आपको आज मैंने बताया कि अपने फ़ोटो में ब्लैक टोन कैसे लाएं। आप देख सकते हैं ऐसा था हमारा फ़ोटो, तो ब्लैक टोन हमारे फ़ोटो में काफ़ी अच्छी आ चुकी है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। तो अब आप कुछ और भी एडजस्टमेंट कर सकते हो अपने हिसाब से, अगर आप करना चाहो तो। जैसे कि यहाँ से और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, जैसे कि ये ऑप्शन है, और आपको ब्लर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आप ब्लर करना चाहते हो, ब्लर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हो आसानी से। तो और भी आप ऑप्शन इसमें यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, और भी आप यूनिक बना सकते हो इस फोटो को। जैसे कि कलर में जाते हैं हम और कलर मिक्स पर जाते हैं, इसके ऑरेंज कलर को थोड़ा सा हम इनके कम कर देते हैं, सैचुरेशन को, ह्यू को आपको थोड़ा सा इनक्रीज कर देना है, कुछ इस प्रकार से आपको इंक्रीज़ कर देना है, लुमिनेंस को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको कलर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, दिख जाएंगे। तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं हमारा फोटो रेडी हो चुका है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।